कुर्मी को आदिवासी का दर्जा देने का मुद्दा इन दिनों काफी गर्म है। कुर्मी समाज लगातार इस मुद्दे को लेकर विभिन्न तरीके से आंदोलनरत है। पिछले दिनों झारखंड बंगाल की सीमा पर हुए आंदोलन के दौरान कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि सभी लोगों की जमानत मिल चुकी है। इस मुद्दे पर दशकों वर्षों से आंदोलन कर रहे आंदोलनकारी नेता राजाराम महतो का कहना है कि यह मुद्दा जायज है, केंद्र सरकार भी इसको अवश्य लागू करेगी। इसमें देरी करने की मुख्य कारण हम जैसे नेता केंद्र सरकार को बेहतर तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। इस पर जो है असल में भारत सरकार जो है दिल्ली में जो है नेतृत्व को दिल्ली नेतृत्व को कोई बढ़िया से नहीं समझा पाया है कि कुर्मी प्योर आदिवासी है और आज जो झारखंड राज्य अलग हुआ है तो कुर्मियों का ही देन है। ये डॉक्टर राजाराम महतो नहीं बोलता है, ये आपका क्षेत्रीय आयाम शीर्षक जो है इसमें स्पष्ट रिपोर्ट दिया है। कोई भी मार्ग देश में किसी तरह का मार्ग जब बहुतायत होता है बहुसंख्यक होता है तब होता है। इसमें जब झारखंड राज्य अलग हुआ तो कुर्मी को गैर सरकारी आदिवासी मानकर अलग किया है। ये हमने ये क्षेत्रीय आयाम शीर्षक में झारखंड का रिपोर्ट में बोला है जिसमें रामदयाल मुंडा शिबू सरन विनोद बिहारी बीपी केसरी प्रभाकर तिर्की शैलेंद्र महतो विनोद बिहारी महतो और भारत सरकार के भी लोग थे बिहार सरकार के लोग थे जिसमें रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ कि ये कुर्मी बहुतायत हैं और गैर सरकारी आदिवासी हैं। इसका मतलब है कुर्मी आदिवासी है और कुर्मी को आदिवासी मान के ही झारखंड राज्य अलग हुआ है, इसमें लड़ाई का कहीं सवाल नहीं है। और जब तक झारखंड का विकास तभी सर्वांगीण होगा जब तक कुर्मी को आदिवासी सूची में शामिल नहीं करेगा तब तक संपूर्ण विकास नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट सबरंग समाचार।